हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक द रेन ऑफ टेरर को पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे अब फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुकी थी, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली थी उसके अलावा अब एक नई असेंबली आ गई थी जिसका नाम था कन्वेंशन। हमने जैकोबिन्स क्लब के बारे में देखा जिसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। हमने ये भी देखा कि अब लुई 16 की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो अब उसके आगे वाले टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 कॉल्ड एज द रेन ऑफ टेरर, मतलब 1793 से 1794 का जो पीरियड था, ठीक है, जिस टाइम अब जो फ्रांस पे मेन जो गवर्नमेंट के हेड थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर, ठीक है। तो उनका जो रूलिंग पीरियड था उसको लोग, उसका नाम पड़ गया द रेन ऑफ टेरर। अब उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें की थी कि उसका जो नाम पड़ गया उस पीरियड का द रेन ऑफ टेरर पड़ गया। तो बेसिकली देखो यहाँ पे रॉब्सपायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो देखो जो रॉब्सपायर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करते थे, ठीक है। मतलब उनको एकदम हर चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रिक्टनेस फॉलो की थी, और उसके अलावा उनके खिलाफ कोई भी जाता था, कोई भी, ठीक है। ऑल पीपल एग्जाम्पल नोबल्स, क्लर्जी, अदर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी इफ डिड नॉट एग्री विथ हिम वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल इफ फाउंड गिल्टी देन गुलिटन्ड, ठीक है। मतलब कोई भी, चाहे हम नोबल्स की बात करें, ठीक है, एक्स नोबल्स की, मतलब जो पहले नोबल फैमिली के थे, अभी भी थे लेकिन अब वो राजा महाराजा नहीं रह गए थे। हम क्लर्जी की बात करें, हम अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की बात करें, उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों की बात करें, अगर कोई भी उनके खिलाफ जाता था तो वो पहले उनको अरेस्ट करवाते थे, ठीक है, जेल में वगैरह में डाल देते थे, फिर उसके ऊपर क्या कोर्ट में केस चलता था, और केस चलने के बाद अगर वो गिल्टी पाए जाते थे तो उनको गुलिटन्ड कर दिया जाता था। अब ये गुलिटन्ड क्या है, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि ये गुलिटन सबसे पहले है क्या। तो देखो गुलिटन इज अ डिवाइस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलिटिन यूज्ड टू एग्जीक्यूट द गिल्टी, ठीक है। मतलब जो गिल्टी पाए जाते थे उनको एग्जीक्यूट मतलब मारने के लिए, ठीक है, एक डिवाइस यूज किया जाता था जिसका नाम था गुलिटिन, ठीक है, जिसको डॉक्टर गुलिटिन ने बनाया था। अब ये था कैसा, तो देखो यहाँ पे दो पोल्स थे, ठीक है, यहाँ पे पर्सन का हेड लगाया जा मतलब फंसा दिया जाता था, और उसके बाद ऊपर एक ब्लेड रहती थी। अब जैसे हम ब्लेड को नीचे छोड़ते थे तो वो क्या करती थी, पर्सन के शरीर को अलग और हेड को अलग करते थे और पर्सन की डेथ हो जाती थी। तो ये उसके साथ किया जाता था जिसको भी गिल्टी पाया जाता था। रॉब्सपायर को लगता था कि जो मेरे खिलाफ जा रहा है उसके साथ ऐसी चीज़ें की जाती थी। उसके अलावा देखें तो रॉब्सपायर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, ठीक है। मतलब अब उन्होंने क्या किया था कि जो लेबरर की वेजेस थी उसको भी एक फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इतने से ज़्यादा नहीं। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो मीट और ब्रेड थी, ठीक है, उनकी भी क्वांटिटी, उनका भी प्राइस फिक्स कर दिया था। प्लस अब उन्होंने ये सिस्टम ला दिया था कि कोई, जैसे पहले जो अमीर लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, पूरा राशन अपने घर में भरवा लेते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, एक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप परचेज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स फोर्स्ड टू सेल द ग्रेन्स एट फिक्स्ड प्राइस। मतलब पीजेंट्स को तो पहले फोर्स किया कि तुम्हें ग्रेन्स हमारी सिटी में ही बेचना है, सिटी में ला के, ठीक है, और दूसरी कहीं जगह नहीं बेचना है। उसके अलावा तुम्हें बेचना भी यहाँ पे है और एक फिक्स्ड प्राइस जो मैं सेट करूँगा उसी पे बेचना है। तो यहाँ पे पीजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उसके अलावा यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव ब्रेड वॉज फॉरबिडन, इक्वालिटी ब्रेड मेड ऑफ वोल वीट वर ईटन। मतलब देखो जो पहले के टाइम पे नोबल्स और क्लर्जी एक एक्सपेंसिव ब्रेड मतलब बोल सकते हैं जो महंगी चीज़ें खाते थे, आप इसको इस तरह समझ सकते हो सारी, ठीक है, अब उनको एक हिसाब से बैन कर दिया गया था। अब इक्वालिटी ब्रेड का यूज़ होता था, मतलब जो ब्रेड आटे से बनी होती थी अब लोग उनको ही खाते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ही कर दी थी कि हाँ सबको एकदम बराबर रहना है, सब एकदम बराबर खाएंगे, सब एकदम बराबर कमाएंगे, ठीक है, और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उसके अलावा अब जो पहले लोगों को बोला जाता था मॉन्जियर सर को, ठीक है, अब उनको बोला जाता था सिटोयन, ठीक है, मैडम है मतलब मैडम को बोला जाता था उनको सिटोइन मतलब सिटीजन, ठीक है, मतलब नॉर्मल सबको उन्होंने कर दिया था। उसके अलावा जो चर्चेस थे उनको भी उन्होंने बंद कर दिया था, और चर्चेस को बैरिक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया
था। अब देखो जुलाई 1794 में लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर से कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर के अगेंस्ट ही कोर्ट में केस चलने लग गया और रॉब्सपायर को जुलाई 1794 में कोर्ट ने दोषी पाया और उनको एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी वही ये जो गिलोटिन की द्वारा जो सजा दी जाती थी वो दे दी गई। तो बेसिकली आपने यहाँ पे द रेन ऑफ टेरर देखा कि रेन ऑफ टेरर में बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर चाहते तो इक्वालिटी थे लेकिन जो उनका तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है, और वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और जो भी उनके हल्का सा भी खिलाफ जाता था, ठीक है, वो उनको क्या कर देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैकोबिन क्लब का तो देखो एंड हो गया, ठीक है, जैकोबिन क्लब का क्यों एंड हो गया, क्योंकि भाई वहाँ के जब लीडर ही नहीं रहे तो बेसिकली वहाँ का एंड हो गया, अब उनके हाथ में पावर नहीं थी। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी मतलब जो अमीर मिडिल क्लास थी उन्होंने पावर उठाया और उन्होंने पावर पूरी अपने हाथ में ले ली, ठीक है। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हें मिला, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से आ गया, ठीक है। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन में डिनाइड वोट टू नॉन प्रोपर्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब पहले क्या था कि 21 साल के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन अब इन्होंने फिर से वही नेशनल असेंबली वाला रूल ला दिया कि अब वही लोग वोट देंगे, ठीक है, जिनके जो सोसाइटी में बोल सकते हो आप वेल्दी है, ठीक है, मतलब जिनके पास पैसे है, ठीक है, जो लोग बहुत गरीब है वो उनको वोट देने का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई और फिर उसके बाद इन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की, ठीक है। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की, डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस पे रूल कर रही थी। अब इन डायरेक्टरी में बेसिकली 5 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मेंबर्स क्यों थे, ठीक है, तो देखो पहले इन्होंने बहुत सारे लेसन इनको सीखने को मिले, किस चीज़ से, ये जो हादसा हुआ इनके लुईस 16 के साथ, फिर जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, तो इन्होंने देखा कि जब भी हम किसी एक सिंगल पर्सन को ढेर सारी पावर दे देते हैं तो वो इसका मिसयूज़ करने लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अब डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स ला दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर थी वो अब एक सिंगल पर्सन के पास नहीं थी, 5 लोगों के पास थी और सब मिलजुल के जो मेजोरिटी डिसीजन आता था उसको लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है डायरेक्टरी हैड 5 मेंबर्स एज दे लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम दैट ऑफ जैकोबिन्स क्लब, लेकिन अब ये सब होने के बाद भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, बट देयर वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरी एंड सॉ द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि अब यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, ठीक है, मतलब ये भी जो रूल था बहुत ज़्यादा सही नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी में क्या कहते हैं, बार बार जो ये कोई चीज़ डिसीजन मानते थे तो ये नहीं मानते थे, ये मानते थे तो ये नहीं मानते थे, तो इस तरह क्या होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जब भी देखती थी कि डायरेक्टरी हमारी बात नहीं मान रही है तो क्या करती थी, उनके मेंबर्स को चेंज कर देती थी, फिर देख रही थी कि बात नहीं मानती फिर उनको चेंज कर देती थी। तो यहाँ पे मतलब कोई इन स्टेबिलिटी पूरी गवर्नमेंट में आ चुकी थी, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी कि अच्छे से एक रूलर हो, ठीक है, एक अच्छे से गवर्नमेंट हो, उसका हेड हो, ठीक है, जो रूल करे, ऐसा कुछ नहीं था। और इसी का फ़ायदा उठाया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने, ठीक है, एक मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ से उभर के आया, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब इनके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन थे, ठीक है, बहुत ही भयंकर इंसान थे वैसे ये, ठीक है, कौन थे, कैसे इन्होंने फ्रांस के ऊपर अपना रूल जमाया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पूरी स्टोरी है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वुमेन का क्या रोल था, क्या कहते हैं रेवोल्यूशन में, ठीक है, और भी लोगों का क्या रोल थे, कैसे कैसे चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब चेंज हो चुकी थी, ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।